चुका है और काफी बढ़िया से काम हो गया है। जिस भी काम के लिए यहाँ पे आए थे वो बात सक्सेसफुल हो गई, अपना निकल रहे हम यहाँ से। और आज इकादशी है तो सारे मेरे भाइयों को इकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, टेम्परेचर इस समय 46 डिग्रीज हो रहा है। अब बस घर की तरफ चलते हैं, पूरा करते हैं। कुछ और सवाल है मेरे भाइयों के, उनको भी देता हूँ, जो कि अपना मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है और रेगुलर व्यूअर है अपना यूट्यूब पे देखते हैं। भाई थैंक यू, आप रेगुलर वीडियोस देखते हो। भाई लखनऊ में रहते हैं और इनका सवाल ये है कि जो ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स होते हैं, ये आफ्टर मार्केट जो स्टीरियो होता है उसमें कामयाब होते हैं कि नहीं। तो भाई ऐसा है कि जो आफ्टर मार्केट स्टीरियो होते हैं उसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, चाइनीज भी आते हैं और उसके अंदर भाई पाइनियर भी आता है, सोनी भी आता है, JBL भी आता है, बहुत सारे है। बाकी चाइनीज के अंदर कुछ कुछ की अच्छी क्वालिटी भी है, जैसे निपॉन हो गया आपका, और ये कौन सा ऑडियो है, पंक, पता नहीं कौन कौन से आते हैं, मतलब आते हैं काफ़ी आते हैं। तो भाई अगर थर्ड क्लास क्वालिटी लगाओगे तो आपके स्टीयरिंग माउंटेड जो कंट्रोल्स हैं वो हैंग होंगे, मगर अगर आप जो है अच्छी क्वालिटी का स्टीरियो लगाते हैं जैसे पाइनियर सोनी, इनके अंदर तो आप भूल जाओगे, ऐसी कभी कोई दिक्कत आने वाली है। ब्लॉक पंप वगैरह के भी सिस्टम्स आते हैं तो आप उनकी तरफ जा सकते हो अगर आफ्टर मार्केट जा रहे हो। दूसरा सवाल एक मेरे भाई का आ गया है गुड़गांव से, वो ये पूछ रहे हैं कि अगर अर्बन क्रूजर उनको लेनी हो तो वो इस मॉडल को ले या जो नया मॉडल 30 जून को लॉन्च होने वाला है मारुति सुजुकी ब्रेजा का रीबैच वर्जन, उसकी तरफ जाए। तो भाई ऐसा है कि जो रीबैच वर्जन है नो डाउट उसके अंदर फीचर्स तो ज़्यादा होंगे, जब फीचर ज़्यादा होंगे तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। लगभग कीमत में 50 से 60 हज़ार का फ़र्क पड़ेगा बेस मॉडल से, और टॉप मॉडल में 80 हज़ार तक भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू मॉडल। बाकी सेफ्टी फीचर ऐसा है कि आपको शायद 4 या 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं, क्योंकि ये को गवर्नमेंट का नॉर्म है आ चुका है। बाकी स्टीरियो के अंदर मुझे अभी कंफर्म नहीं है, शायद जैसे बलेनो का डेल्टा मॉडल के अंदर यही जो 7 इंच वाला इस जनरेशन में आ रहा है वो दे दे, और टॉप मॉडल के अंदर वही वाला दे दे जो बलेनो में टॉप मॉडल में, कुछ इसी हिसाब का रहने वाला है। बट अपनी अपनी चॉइस है, अभी वो गाड़ी बिल्कुल भी ऐसी हुई जैसा स्टांस देगी नहीं मेरी नज़र में, मुझे वो बिल्कुल ऐसी हुई जैसी लग नहीं रही गाड़ी। टाटा पंच का कुछ कुछ लुक लिए हुए आगे पीछे से गाड़ी आई है, देखते हैं अब गाड़ी आने पे फिर क्या बात बनती है। बाकी मुझे तो इतनी पसंद नहीं है, अगर आप थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं तो आप उसका वेट कर लीजिए, कम खर्च करना चाहते हैं तो इसको ले लीजिए। इसमें आपको आगे आने वाले कुछ टाइम में अकॉर्डिंग टू द स्टॉक डिस्काउंट भी कुछ ऑफर होने वाला होगा। अगला सवाल आया है अपना जलंधर पंजाब से, सुप्रीत पाजी हैं हमारे सब्सक्राइबर हैं ये भी, ये पूछ रहे हैं कि इनकी अर्बन क्रूजर के अंदर ये CNG सेट करवाना चाहते हैं, उसके लिए मेरे से कुछ हेल्प मांगते हैं। भाई देखो सुप्रीत पाजी, अभी जो है अर्बन क्रूजर या ब्रेजा का जो है गवर्नमेंट से BS6 के नॉर्म्स जो है वो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अभी फाइल लगी हुई है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में, लेकिन अभी उस पे अप्रूवल नहीं आया है, जिसके कारण आपको जो है अभी जो है अगर आप इसमें CNG वगैरह सेट करवा लेते हैं गाड़ी में तो अप्रूवल आपको उसका गवर्नमेंट का नहीं मिलता। बाकी आप अपना लगवा सकते हैं, चला सकते हैं, गैस वगैरह भरवा सकते हैं, आपके RC पे इंडोर्स नहीं होगा CNG एज अ बाई फ्यूल, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जल्दी ही ये अपडेट हो सकता है, उसके बाद आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कुछ CNG पे बात हो गई। बाकी एक हमारे रिक्की पाजी है, इनका भी अपना यहाँ से जम्मू से आया है सवाल। तो हमारे रिक्की पाजी पूछ रहे हैं कि ये टोयोटा अर्बन क्रूजर में जो है कंफ्यूज है कि मिड मॉडल लें या प्रीमियम मॉडल लें। तो मैं कहूँगा सर मोस्ट वैल्यू फॉर मनी इसका हाई मॉडल है, मिड भी मत लो और प्रीमियम भी मत लो, हाई मॉडल ले लो, उसके अंदर आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे और आपको कुछ भी आफ्टर मार्केट इतना ज़्यादा कुछ नहीं करवाना पड़ेगा। मिड मॉडल अगर आप थोड़े से मॉडिफिकेशन टाइप के बंदे हो या आप शौकीन हो या अपने से कुछ अपने हिसाब से अपने टेस्ट से गाड़ी में कुछ करना चाहते हो, जैसे स्टीरियो सिस्टम वगैरह हो गए या अलॉय व्हील्स हो गए, तो आप मिड की तरफ जा सकते हो, वरना तो आप हाई मॉडल ले लो, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वही मॉडल है। और आप ऐसे कोई करोना की भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपको आप बड़े आसानी से हाई मॉडल मिल जाएगी। समरिक भाई का क्वेश्चन आया है, ये हमारे भाई आए हैं अपना बरेली से,
ये मेरे से पूछ रहे हैं, काफी बार वीडियोस के अंदर इनके कमेंट आ चुके हैं और ये पूछना चाहते हैं कि अपनी जो है विटारा ब्रेजा में टायर अपग्रेड करना चाहते हैं लो प्रोफाइल, तो अपग्रेड किया नहीं है। बाकी अगर आपकी हाईवे रनिंग कम है और आपको कंफर्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हाईवे रनिंग कम है और कंफर्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि लो प्रोफाइल टायर के अंदर आपकी जो टायर की बॉल होती है ना, वो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसी की वजह से वो लो प्रोफाइल बनते हैं। अगर आपको इतनी ज़्यादा कम्फर्ट की ज़रूरत नहीं है और हाईवे पर भी इतनी ज़्यादा ड्राइविंग नहीं है या आप ऑफ रोडिंग वगैरह जरा सी भी नहीं करते, तो आप लो प्रोफाइल टायर की तरफ आँख बंद करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी आपको। बहुत अच्छा प्लेजरफुल ड्राइविंग रहने वाली है, ज़्यादा लंबे रोड पे चलने के लिए लो प्रोफाइल टायर होते हैं। बाकी कंपनी के अंदर मिचलिन वगैरह के भी आते हैं, सारे कंपनीज के अंदर लो प्रोफाइल टायर आते हैं, आप वो देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपग्रेड कर सकते हैं। अपनी अपनी ड्राइविंग कंडीशन पे टायर की रिक्वायरमेंट रहती है। वैसे जो कंपनी इसके अंदर टायर लगा के देती है वो गुड टू गो है हर टेरेन के लिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऑल टेरेन टायर ही लगा के आप आगे बढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। इन टायरों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो लगे हुए हैं। हाँ, इन फ्यूचर मैं अपने लिए बता देता हूँ कि अगर इन फ्यूचर जब भी मैं अपग्रेड करूँगा टायर या फिर चेंज करूँगा, तो मैं ब्रिजस्टोन के ट्यूलर पे जाऊँगा, अगर 215 सेक्शन में ये टायर आता होगा, क्योंकि ब्रिजस्टोन से अच्छा मुझे कोई टायर लगता नहीं है, ब्रिजस्टोन या कॉन्टिनेंटल, इन्हीं दो टायरों पर मैं आगे जाने वाला हूँ जब भी इसके किलोमीटर हो जाएंगे पूरे और इन टायर की लाइफ हो जाएगी। अभी तो इन पे जो है लगभग 3.5-4 mm के आसपास जो है इसकी खुद्दी बची हुई है। तो ये कुछ टायर पे सवालों के, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने काफी सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। बस फिर अब घर पहुँचते हैं और आपसे मिलते हैं और वीडियो को समाप्त कर